हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने IQ Z7 Pro एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन की हैंगिंग की प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपका मोबाइल फ़ोन जो है ना कभी भी अगर हैंग करता है, तो सबसे पहले आपको करना ये है कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन को ना रीस्टार्ट करना है। ठीक है, रीस्टार्ट करने के लिए आपको मोबाइल फ़ोन के साइड वाला जो पावर बटन है, इस पावर बटन को आपको उंगली से दबा के रखना है। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन के सामने एक पेज ओपन होगा छोटा सा इस तरीके का, इसमें आपको रीस्टार्ट का ये ऑप्शन मिलता है, आपको रीस्टार्ट पे टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन जो है वो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है कि हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई कमी आ जाती है तो कमी जो है दूर हो जाती है। कमी क्या हो सकती है, देखिए हमारा मोबाइल फोन हैंग करता है, ठीक है, नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है, इंटरनेट की प्रॉब्लम आती है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो है वो सॉल्व हो जाती है फोन को रीस्टार्ट करने से। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद आपको अगला प्रोसेस ये करना है कि आपके मोबाइल फोन में जितने भी ऐप्स हैं इन सभी ऐप्स को आपको रीसेट कर देना है। ठीक है, रीसेट करने के लिए आपको किसी भी ऐप को उंगली से दबा के रखिए, एक छोटा सा पेज ओपन होगा, इस पेज में आपको ऐप इन्फो लिखा हुआ मिलेगा या फिर सर्कल के अंदर जो आई बटन बना हुआ है इसे टैप करना है। ठीक है, तो आपका ये वाला पेज ओपन होगा, इस पेज में आपको स्टोरेज एंड कैच पे टैप करना है। इसके अंदर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो क्लियर स्टोरेज का, दूसरा क्लियर कैच का। आपको पहले क्लियर कैच पे टैप करना है, नीचे की साइड आपका ये कैच के सामने वाला डेटा जीरो हो जाएगा। इसके बाद आपको इसे क्लियर स्टोरेज पे टैप करना है, तो डिलीट ऐप डेटा का पेज आएगा, इसमें आपको डिलीट पे टैप कर देना है। ठीक है, तो आपका नीचे की साइड यूजर डेटा के सामने वाला डेटा भी आपका जीरो हो जाएगा। इस तरीके से आपको जो है अपने मोबाइल फोन के सभी ऐप्स को रीसेट कर देना है। ठीक है, इससे आपकी जो प्रॉब्लम है ना हैंगिंग की सॉल्व हो जाएगी। अब दोस्तों एक काम और करना है, देखिए आपके मोबाइल फोन में जितने भी ऐप्स है ना, इन सभी ऐप्स के जो है नोटिफिकेशन आपको बंद कर देना है। ठीक है, नोटिफिकेशन कैसे बंद करेंगे, देखिए आपको ना इसी पेज में आना है, ये वाला जो स्टोरेज एंड कैच के ऊपर आपको यह ऑप्शन मिलता है नोटिफिकेशन का, इसे टैप करना है। तो यहां पर जो ऑल नोटिफिकेशन के सामने वाला बटन, अगर आपका यह चालू है इस तरीके से, तो आपको इसे बंद कर देना है ब्लैक कलर में। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको ना अपने मोबाइल फोन के सभी ऐप्स के नोटिफिकेशन भी आपको बंद कर देने हैं। आपको सिर्फ उन्हीं ऐप्स के नोटिफिकेशन आपको चालू रखने हैं जिन ऐप्स के नोटिफिकेशन की आपको जरूरत है, बाकी सबके बंद कर देने हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद आपको अगला प्रोसेस ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन का सिस्टम एक बार चेक करना है कि वो अपडेटेड है या नहीं है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है, हमारे मोबाइल फोन के सिस्टम का अपडेट आता है, हम उसे अपडेट नहीं करते हैं, या फिर अपडेट आता है तो हमें पता नहीं लगता है। तो मोबाइल फोन का जो सिस्टम है ना, वो अपडेटेड ना होने के कारण हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में कुछ कमियाँ आने लगती हैं। तो आपके मोबाइल फोन का सिस्टम जो है वो अपडेटेड है या नहीं, आपको कैसे चेक करना है, देखिए इसके लिए आपको पहले मोबाइल फोन का इंटरनेट चालू रखना है। इसके बाद आपको जो है मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है, सेटिंग पेज के अंदर आपको नीचे की साइड यह ऑप्शन मिलेगा सिस्टम अपडेट का, इसे टैप करना है। इसके अंदर अगर आपको कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल कुछ भी लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप कर देना है। इससे आपके फोन का सिस्टम जो है वो अपडेट हो जाएगा और आपके फोन की जो हैंगिंग की प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपको आखिरी प्रोसेस ये करना है कि आपको अपने फोन को रीसेट कर देना है। ठीक है, आपको अपने फोन को रीसेट तभी करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस में से अगर कोई भी काम नहीं करते तब आपको अपने फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज बिल्कुल नहीं करना है। मोबाइल फोन को रीसेट करने के लिए आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज के अंदर आपको जो है ना सबसे नीचे की साइड आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलता है सिस्टम का, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको रीसेट ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर आपको इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करेंगे, आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपके फोन के हैंगिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फोन को रीसेट करने से पहले दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा आप किसी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर दीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात आपको यह ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद ही आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको जितने भी प्रोसेस आपको बता दिए सारे प्रोसेस आपको यूज़ करने हैं तो आपके मोबाइल फोन की जो हैंगिंग की प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। अगर ये सारे प्रोसेस यूज़ करने के बाद भी आपके मोबाइल फोन की हैंगिंग की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आपको करना ये है कि आपके मोबाइल फोन का जो सर्विस सेंटर होगा वहाँ पर आपको चले जाना है, अपना फोन वहाँ पर दिखा देना है। हो सकता है आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत होगी जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन आपको बताए हैं वो मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताए हैं। अगर मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर की कमी की वजह से प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अदरवाइज आपको अपने फोन के सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा।